गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई विल डिस्कस द लेक्चर ऑन द टॉपिक वेदर द इनैक्टमेंट व्हिच हैज बीन पास्ड आफ्टर द जमींदारी अबॉलिशन वॉज सक्सीडेड इन इंडिया आर नॉट। आज हम आपको यह पढ़ाएंगे कि क्या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश संघूम व्यवस्था अधिनियम 1950 के अंतर्गत जो अधिनियम पास किया गया क्या अपने उद्देश्यों में सफल रहा या नहीं, क्योंकि अधिनियम का जो उद्देश्य था यह था कि जमींदारी अबॉलिशन के बाद एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना की जाए जिससे कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश संघूम राजस्व व्यवस्था के नियमों को लागू किया जा सके। इस तरह से क्या अधिनियम अपने उद्देश्यों में सफल रहा या नहीं, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसके द्वारा जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया। यूपी जेडे एंड मेवाड़ एक्ट 1950, उत्तर प्रदेश जमींदारी अबॉलिशन, उत्तर प्रदेश जमींदारी एवॉल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950। ये अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश संघूम व्यवस्था अधिनियम, तो अधिनियम ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए। क्या ये कार्य जो किए गए अधिनियम के द्वारा क्या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने के पश्चात अधिनियम अपने उद्देश्यों में सफल रहा या नहीं, क्योंकि अधिनियम ने पहला काम किया एवॉल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। अधिनियम ने पहला कार्य कि जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया, तो संपूर्ण आस्थान, संपूर्ण ऐसी जमीनें जो थी, जो जमींदार नहीं थी वो राज्य सरकार में नहीं थी, संपूर्ण स्थान क्या हुए राज्य सरकार में नहीं माने गए। उस दिन से, जिस दिन से अधिनियम लागू हुआ उस दिन से जो जमींदारों के पक्ष में जमीनें थी वो राज्य सरकार में नहीं हो गई। ठीक ऐसे स्थान थे जो राज्य सरकार में नहीं माने गए, तो अधिनियम ने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया, क्योंकि मैंने बताया था कि सरकार और किसानों के बीच में एक मध्यवर्ती इंटरमीडिएट्स का काम करने वाला एक जमींदार वर्ग था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का सीधे किसानों से कोई संबंध नहीं था, इसलिए किसानों पर क्या गुजर रही थी, किन आपदा विपदाओं के कारण वो कृषि कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं, किन चीज़ों का अभाव है जिससे कृषि को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, ये सब चीज़ों की जानकारी सरकार को मिल नहीं पाती थी, और वो बिचौलियों के माध्यम से काम किया करते थे, क्योंकि उनके मध्य एक वर्ग था जमींदार के माध्यम से जो काम किया जाता था वह जो है उसमें एक वर्ग काम करता था जमींदार, जिस
इसके माध्यम से कार्य किया जाता है। ठीक, तो जमींदारी प्रथा को समाप्ति की गई, जिसमें जो काश्तकारी अधिकार जमीनों का था वह कृषकों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया, कृषकों को उनकी जमीन का मालिकाना हक प्रदान किया गया, तथा अब किसान और सरकार के मध्य सीधा संबंध स्थापित हुआ, क्योंकि किसान केवल काश्त किया करते थे, केवल खेती का काम करते थे, और जमींदार जो है मालगुजार हुआ करते थे, कुछ रुपए की जमींदारी कुछ की जब होती थी इनके पास, वह जगह केवल काश्त करने के लिए जो है कृषकों को जमीन दिया करते थे और किसानों से कर वसूल करके, लगान वसूल करके दे दिया करते थे सरकार को। इस तरह से जो है जमींदारी प्रथा की समाप्ति। तो क्या अधिनियम अपने उद्देश्य में सफल रहा? तो जमींदारी प्रथा की समाप्ति के पश्चात जो किसानों और सरकार के मध्य सीधा संबंध स्थापित हुआ, इसने अधिनियम प्राप्त पास करने का उद्देश्य को सफल बनाया, क्योंकि अधिनियम अपने मूल उद्देश्य में सफल रहा, क्योंकि इसका काम था कि जमींदारी प्रथा की समाप्ति, जबरदस्ती जो कर की उगाही किया करते थे जमींदार, जो लगान वसूल किया करते थे, ये सब प्रथाएं समाप्त हो गई, अब किसान का सरकार से सीधा संबंध स्थापित हो गया। तो अधिनियम ने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया। दूसरा था भूमि के अधिक जमाव पर रोक। भूमि के अधिक जमाव पर रोक, भूमि के अधिक जमाव पर रोक, भूमि के अधिक जमाव पर रोक। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश संघ भूमि व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया अधिनियम के अंतर्गत कि कोई भी व्यक्ति 12.5 एकड़ से भी जमीन नहीं रख सकता, कोई भी व्यक्ति 12.5 एकड़ से अधिक जमीन अपने पास नहीं रख सकता। अधिनियम लागू होने के पश्चात कोई भी व्यक्ति 12.5 एकड़ से अधिक जमीन अपने पास नहीं लागू कर सकता, नहीं रख सकता। तो अधिनियम ने, क्योंकि पहले वो बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक हुआ करते थे, अधिनियम ने जो है जमीनों के वितरण की व्यवस्था की, हर व्यक्ति के पास, जिसके पास कम जमीनें हैं, जिसके पास अधिक जमीनें हैं, तो एक सुचारू व्यवस्था लागू की गई और उन जमीनों को जो अन्य व्यक्तियों में निहित थी वो जमीनें राज्य सरकार में निहित कर दी गई। और 12.5 एकड़ से अधिक कोई व्यक्ति जमीन धारण करता है तो ऐसी जमीनें जो है राज्य सरकार में निहित मान ली जाएगी, राज्य सरकार की संपत्ति का भाग हो जाएगी। तो अधिनियम ने यह व्यवस्था सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति अधिक जमाव भूमि का अपने पास 12.5 एकड़ से अधिक जमीन को नहीं रख सकता है, क्योंकि 12.5 एकड़ से अधिक भूमि को रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसके द्वारा जमीनों का वितरण अन्य किसानों पर जिसके पास जमीनें नहीं थी उन पर भी किया गया। इस तरह से अधिनियम अपने उद्देश्य में सफल रहा। और भूमि के अलावा निर्माण पर रोक, भूमि के अलावा निर्माण पर रोक, भूमि के अलावा निर्माण पर रोक, भूमि के अलावा निर्माण पर रोक,
निर्माण करो। इसमें भूमि के अलावा का निर्माण करो, इसके द्वारा 3 सही 1/8 एकड़ से अधिक कोई भी व्यक्ति उसका 3 सही 1/8 से अधिक कोई भी व्यक्ति अपने पास जो है भूमि को रख नहीं सकता है। इस तरह से 3 सही 1/8 से अधिक रखता है तो उनके लाभ पर निर्माण, उनका लाभ पर निर्माण माना जाता है। इस तरह से अधिनियम ने भूमि के अलाभ पर निर्माण पर रोक लगाया। भूमि का अलाभ पर अगर निर्माण करता है, भूमि जितना भूमि संहिता के द्वारा जो नियमबद्ध किया गया है उससे अधिक भूमि को कोई व्यक्ति खरीदता है, उससे अधिक भूमि को अपने पास रखता है, तो ऐसी परिस्थिति में वह जमीन राज्य सरकार के मानी जाती है। इस तरह से अधिनियम अपने उद्देश्य में सफल रहा। अधिनियम के अंतर्गत नवीन जोतदारी व्यवस्था को अपनाया गया। भूमि को लगान उठाने का प्रतिबंध अधिनियम के अंतर्गत भूमि को लगान पर उठाने का प्रतिबंध लगाया गया। लगान पर उठाने पर प्रतिबंध लगाया गया। अधिनियम ने व्यवस्था किया कोई भी व्यक्ति भूमि को लगान पर नहीं उठा सकता है। अधिनियम की धारा 157 के अंतर्गत कोई अक्षम व्यक्ति है, इनकैपेबल पर्सन है, कोई इनकैपेबल पर्सन है कोई इनकैपेबल व्यक्ति है, अक्षम व्यक्ति है, जैसे वृद्ध है, महिला है या शिथिलांग कोई व्यक्ति है, शिथिलांग कोई व्यक्ति है, इनको छोड़ करके कोई व्यक्ति भूमि को लगान पर नहीं उठा सकता। तो अधिनियम के द्वारा, क्योंकि लगान मध्यवर्ती प्रथा की जब समाप्ति की गई तो लगान को भूमि को लगान पर उठाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि किसानों और सरकार के बीच में एक मध्यवर्ती वर्ग जमींदार वर्ग काम कर रहा था। जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया था, जमींदारों से उनके सारे अधिकार ले लिए गए, तो भूमि को लगान पर उठाने से प्रतिबंधित कर दिया गया। मीन्स कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन को किसी व्यक्ति किसी को लगान पर नहीं दे सकता, लगान पर नहीं उठा सकता। इसका अपवाद है 3 व्यक्ति 157 के अंतर्गत यह भेज दिया गया है। 3 ऐसे व्यक्ति हैं जैसे वृद्ध है, कोई महिला है जो अच्छा है काम करने में, या शिथिलांग व्यक्ति है, अपंग व्यक्ति है, विकलांग व्यक्ति है जो कि अपनी खेती करने में असमर्थ है, तो ऐसा व्यक्ति भूमि को दूसरे को जो है अपनी जमीन को पट्टे पर दे सकता है, कुछ समय के लिए दे सकता है, विकलांग व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्तियों को छोड़ करके और कोई भी व्यक्ति जमीन को लगान पर उठाने से प्रतिबंधित किया गया संहिता के अंतर्गत। तो अधिनियम सवाल उठता है, क्या अधिनियम अपने उद्देश्यों में विशिष्ट नियमों को बनाकर क्या अधिनियम अपने उद्देश्यों में सफल रहा? तो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत अधिनियम ने
इस नियम को अपनाया जिससे कि वो अपने उद्देश्यों में काफी सफल रहा। क्योंकि जमींदारों से उनकी जमींदारी ले ली गई तो उनके लिए प्रतिकर पुनर्वास संधान की व्यवस्था की गई, कंपनसेशन एंड रिहैबिलिटेशन इक्वेशन, कंपनसेशन एंड रिहैबिलिटेशन, प्रतिकार पुनर्वास अनुदान की व्यवस्था की गई। चूंकि जमींदारी जमींदारों से अपनी जमींदारी कर ले ली गई तो उनके लिए प्रतिकर पुनर्वास अनुदान का की व्यवस्था की गई जिससे कि उनको भी गुजारा भत्ता मिल सके और जमींदार को एक गुना से लेकर के 25 गुना तक प्रतिकर पुनर्वास अनुदान प्रदान किया गया। छोटे जमींदार थे तो उनको ज़्यादा मिलता था प्रतिकर पुनर्वास अनुदान और बड़े जमींदार थे उनको उसके अनुपात में कम मिलता था। इस तरह से जितने की मालगुजार होते थे उसके अनुपात में कम की मालगुजार को ज़्यादा प्रतिकर पुनर्वास दिया गया, भत्ता दिया गया, ज़्यादा के जमीन जो है जमींदारों को कम दिया गया। इस कर्षण के लिए व्यवस्था की गई जो कि अधिनियम ने धीरे धीरे जमींदारी प्रथा के समापन की ओर कदम उठाया जो कि अधिनियम अपने उद्देश्य में सफल रहा जाता है। क्योंकि न्यू टेंडेंसी जो लागू की गई सिस्टम नवीन जोदारी व्यवस्था, नवीन जोदारी व्यवस्था जो की गई इसके अंतर्गत अधिनियम ने जहां भ्रामक और क्लिष्ट जमींदारी व्यवस्था थी जो कि अंग्रेजों के समय से चली आ रही थी, 14 तरह की जोतदारी व्यवस्था थी जिसमें सरकार जो है उस पर कोई क्या हार्ड एंड फास्ट क्या रूल है, अगर विवाद उत्पन्न होते थे न्यायालयों के समक्ष विवाद लाए जाते थे, न्यायपालिका उन विवादों का सुचारू रूप से निपटारा नहीं करती थी, उसके संबंध में कोई ऐसा सर्वमान्य नियम नहीं था जिससे कि इन विवादों उत्पन्न हुए विवादों का सुचारू रूप से निपटारा किया जा सके। उन विवादों का निपटारा करने के लिए अधिनियम ने जो है 14 तरह की जो 14 काइंड्स ऑफ चैलेंजेस सिस्टम था इसको जो है एबॉलिश किया, चैलेंजेस सिस्टम था उसको एबॉलिश किया। 14 तरह की भ्रामक जोदारी क्लिष्ट जोदारी व्यवस्था थी यह भी अधिनियम की सफलता ही कहा जाता है क्योंकि अधिनियम अपने उद्देश्यों में सफल रहा है माना जाता है। 14 तरह की जोदारी व्यवस्था थी उसको अधिनियम ने सरल बनाया, नवीन जोदारी व्यवस्था लागू किया। क्या किया? नवीन जोदारी व्यवस्था, नवीन जोदारी व्यवस्था को अपनाकर अधिनियम अपने देशों में सफल रहा। नवीन जोदारी व्यवस्था के अंतर्गत 14 तरह की कृष्ण संभ्राम जोदारी व्यवस्था थी इसको सुधारा गया। इसके अंतर्गत जो है 1954 में संशोधन किया गया। तब 30 अक्टूबर 1954 में एक संशोधन किया गया जिसमें 4 तरह के जो उद्धार थे
आसामी, आदिवासी आसामी, आसामी चार तरफ के विविधता जो 14 देश के संशोधन किया गया अधिनियम में, उत्तर प्रदेश अभिधान व्यवस्था अधिनियम लागू किया गया, तो संशोधन किया गया जिसमें जो कि 13 अक्टूबर 1954 को पारित किया गया, जिसके अंतर्गत जो दारी व्यवस्था में संशोधन किया गया जिसमें चार प्रकार के योगदार भूमिधर, सीरदार, आदिवासी, आसामी। तो भूमिधर, सीरदार, आदिवासी, आसामी चार प्रकार के योगदार हैं। पुनः जो है 1977 में जो है संशोधन करके संशोधन किया गया, तीन प्रकार के योगदान पुनः 1977 में संशोधन किया गया, 1977 में तीन प्रकार के योगदान आ गए, जिसमें भूमिधर, भूमिधर और सीरदार आसामी। जिसमें भूमिधर है, भूमिधर के ऑस्ट्रेलियन राइट्स, भूमिधर के ऑस्ट्रेलियन राइट्स, टेरिबल राइट्स, और भूमिधर ट्रांसफर राइट्स, भूमिधर में नाम ट्रांसफर राइट्स और शामिल तीन प्रकार के योगदान रह गए। आदिवासी को शेरदार बना दिया गया और इन्हीं शेरदारों ने अपनी जमीन का 10 गुना जमा कर दी। कुछ समय के पश्चात उनको असंक्राम अधिकार वाला भूमिधर बना दिया गया। इस तरह से तीन प्रकार के योगदारी व्यवस्था रह गई, भूमिधर ट्रांसफर राइट्स, भूमिधर ट्रांसफर राइट्स और आसामी। इस तरह से अधिनियम ने जो भ्रामक पुलिस योगदारी व्यवस्था थी उसको नवीन योगदारी व्यवस्था का नियम लागू किया। इस तरह से ग्राम जनतंत्र की स्थापना, ग्राम स्वशासन की स्थापना, इस तरह से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत शासन का विकेंद्रीकरण किया गया, क्योंकि गांव शासन की सबसे छोटी इकाई, गांव को, ग्राम पंचायत को शासन की सबसे छोटी इकाई बनाया गया और इस तरह से ग्राम जनतंत्र की स्थापना की गई। लोगों के अधिकार को सुरक्षित माना गया, लोगों को खेती के अधिकार दिए गए, इस तरह से शासन की छोटी इकाई सत्ता का विकेंद्रीकरण करके गांव को शासन की सबसे छोटी इकाई बनाया गया और सहकारी कृषि को प्रोत्साहन मिला, सहकारी कृषि को प्रोत्साहन मिला, सहकारी कृषि को प्रोत्साहन दिया गया।
इस तरह से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत यह माना जाता है कि अधिनियम अपने उद्देश्यों में सफल रहा। सवाल उठता है कि अधिनियम अपने उद्देश्यों में क्यों सफल रहा, तो विभिन्न पॉइंट्स जो आपके समक्ष दिए गए हैं, जैसे जमींदारी प्रथा की समाप्ति, भूमि के अलाप पर निर्माण पर रोक, भूमि के अधिजमाव पर रोक, जमींदारों के लिए प्रतिकर पुनर्वास अनुदान की व्यवस्था, सरल जोतदारी व्यवस्था अर्थात सरल एवं नवीन जोतदारी व्यवस्था, जो जोतदारी की भ्रामक व्यवस्था थी जिसके संबंध में अदालतें स्वयं एक निर्णय में पहुंचने में असहज पाती थी, अपने को असहज महसूस करती थी, उसने नवीन जोतदारी जमीन एवं भ्रामक नवीन जोतदारी की व्यवस्था की जिससे कि भ्रामक एवं पुलिस जोतदारी व्यवस्था को समाप्त किया गया जिसके द्वारा और भूमि को लगान पर उठाने से रोका गया। कोई भी व्यक्ति भूमि को लगान पर नहीं उठा सकता क्योंकि अधिनियम के पहले की जो स्थिति थी उसको समाप्त करने की कोशिश की गई। हाँ, इसका एक एक्सेप्शन बनाया गया, अगर कोई वृद्ध है, महिला है, अपंग व्यक्ति है, उसके लिए अधिनियम ने सेक्शन 157 के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था दिया कि भूमि को जो है वह व्यक्ति जो है पट्टे पर उठा सकता है, कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को दे सकता है। ऐसी परिस्थिति में और इसके द्वारा क्या हुआ, ग्राम जनतंत्र की स्थापना की गई, नवीन कृषि को प्रोत्साहन मिला और शासन की इकाई गांव को शासन की सबसे छोटी इकाई माना गया, जिसके माध्यम से ग्राम जनतंत्र की स्थापना हुई, ग्राम स्वराज की स्थापना हुई, जिसके माध्यम से कृषि को प्रोत्साहन मिला, सरकारी सहकारी कृषि को प्रोत्साहन मिला। तो हम समीक्षात्मक आधार पर यह कह सकते हैं कि अधिनियम अपने उद्देश्यों में पूर्ण रूप से सफल रहा। इस तरह से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम के अंतर्गत यह नियम अपनाया गया कि जो है उत्तर प्रदेश जमींदारी भूमि व्यवस्था अधिनियम को अपना करके अधिनियम को के उद्देश्य को सफल बनाने की पूरी कोशिश की है, जो कि इसके संबंध में कहा जाता है कि अपने अपने उद्देश्य में पूर्णतः से सफल रहा। द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिलीवर टुमारो। थैंक यू वेरी मच।